भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी बंगाल दौरे के दौरान हुए हमले पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने भी निंदा जताई है। हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने कहा कि जेपी नड्डा पर हुआ हमला देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके कारणों का पता नहीं है, लेकिन कारणों के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु अगर पथराव हुआ है, क्या हालात हुए हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है कि पथराव किसी भी लीडर पर हो, परंतु ऐसा हुआ है तो उसका अभी क्या कारण रहे हैं वो तो अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परंतु मेरा मानना सिर्फ यही है कि कोई भी लीडर कहीं भी जाता है उसका इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और हालात क्या रहे होंगे वो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमीरपुर शहर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को कंफ्यूज्ड सरकार करार दिया है। राणा ने कहा कि सरकार का हर फैसला दिल्ली और प्रशासनिक अधिकारी ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गाड़ी की स्टेयरिंग दिल्ली से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाली सरकार तानाशाह सरकार है और अब जनता बुरी तरह दुखी हो चुकी है, इसलिए किसान सड़कों पर हैं और बेरोजगारी महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश लोग, प्रदेश के लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये सरकार हिमाचल से नहीं चल रही है, बल्कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। और दिल्ली से जो भी निर्णय आता है, दिल्ली से जो भी सिग्नल मिलता है, उसके मुताबिक ही फैसला होता है। और दूसरा, ये सरकार जो है वो हर हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश का आम जो वोटर है, आम जो यहाँ का नागरिक है, वो तो इस सरकार से तंग है ही है, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सरकार की कार्यप्रणाली से जो है त्रस्त हैं। और अभी पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं। देखिए, अगर पंचायतों के चुनाव समय पर सरकार नहीं करा पा रही है, इसके पीछे इस सरकार का फेलर है। कारण ये है कि ये सरकार सुबह कुछ फैसला लेती है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। और अगर नई पंचायतें सरकार ने गठित करनी ही थी, जो स्वागत योग्य, हम भी उसका स्वागत करते हैं कि नई पंचायतें बनी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, स्वाभाविक है कि नई पंचायतें बनेंगी तो एक नए विकास के नए रास्ते निकलेंगे। परंतु सरकार को चाहिए था कि अगर नई पंचायतें बनानी थी तो एक साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू कर देते। और पहले सरकार ने कहा कि हम पंचायतें बनाएंगे नहीं, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम पंचायतें नहीं बनाएंगे, और अंत में फिर जब थोड़ा सा समय बचा तो सरकार ने फिर से नई पंचायतों का गठन किया। अब इस सारी प्रक्रिया को करने के लिए एक साल का जो समय चाहिए था, वो सरकार जो है कन्फ्यूजन में ये सारे निर्णय सरकार लेती है। और आज मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जगह जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लोगों को आशंका है कि सत्ताधारी पार्टी जो है, उसके जो कार्यकर्ता हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता जो हैं, वो अफसरशाही पर दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक जो है पंचायतों को रिजर्व कराने और ओपन करवाने की दबाव जो है प्रशासन और सरकार प्रशासन पर जो है बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कई कारण हैं कि सरकार जो है समय पर पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पा रही है। और कोविड को लेकर भी ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और आज हिमाचल प्रदेश में जितने कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो सरकार की नाकामी है। ये सरकार ने ही जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और अपने ही जो कानून कायदे इन्होंने जो बनाए थे, नियम बनाए थे, उनको सरकार ने खुद तोड़ा है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के मुद्दे पर राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और आने वाले समय में कैसे सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने पर जनता त्रस्त हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में जरा सा पेट्रोल डीजल का दामों में बढ़ने पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन अब अपनी बारी में सरकार बिल्कुल चुप है। ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। और इस सरकार का जो, इस सरकार को चलाने का जो गाड़ी है, सरकार को जो चल रही है गाड़ी, सरकार की जो गाड़ी चल रही है,
इसके स्टेयरिंग पर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी बिठा दी है। जब ब्यूरोक्रेसी ही सरकार को हांकेगी तो ये सरकार नई किस लिए चुनी गई है? इसलिए ये सरकार कन्फ्यूज्ड गवर्नमेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये दिल्ली वाली जो सरकार है इनकी, ये तानाशाह सरकार है, और तानाशाह के कारण जो है हिंदुस्तान की जनता इनसे अब दुखी हो चुकी है। किसानों के मसले खड़े हो गए हैं, किसान जो है सड़कों पे हैं, और बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है, और महंगाई जो है वो लगातार आसमान को छू रही है। इनके राज में भारतीय जनता पार्टी की जब अपोजिशन में होते थे और यूपीए की गवर्नमेंट होती थी, उस समय अगर 1 रुपया 50 पैसे अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी की लोग जो कार्यकर्ता वो सड़कों पे लंबे लेट जाते थे। अब कोई नहीं बोल रहा है, अब पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, आम बाजार में अब कीमतें देख ले आसमान को छू रही हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह निकम्मी है और फेल हो चुकी है, और इस सरकार को आने वाले समय में लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएं।